हेलो दोस्तों, मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर है। तो आज यार एक नया पार्ट मिल गया है कपिल शर्मा का। हमने जितने भी कपिल शर्मा के पार्ट देखे तो भाई सब एक से एक दिखे हुए। जितने भी एक्टर है, बात खास करे वो डॉक्टर साहब, वो मोटा, एक लड़की पतली आए, वो सारे के सारे जो है ना भाई, एक से एक कमेंट है भाई, मजा आ गया देखकर। अली भाई जरूर करके प्ले करो भाई। नमस्कार, सीटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए मार उन्होंने, दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी, हमको जब हमारे हस्बैंड जो है टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है, पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है, क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। सुना नहीं है तंबाकू मधे कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता, क्या करेंगे हम बताओ। तो रिंकू दीदी, आप दीदी नहीं, हम देवी हैं। प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोले, दीदी बोलेंगे हम। रिंकू बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड है और सामने शुक्ला ही है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? आप क्या करेंगे इसके बारे में? आप बताएं अभी, जितनी इतनी महंगी हीरोइन के आप आंखों से आंसू साफ कर नहीं आते? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए, और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगाता है, क्या देखे, डर लगता है। तो आप भी वही है, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे कौए पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि देखिए उधर चलिए, उधर चलिए। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं? अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी पे जाएं, उनको जलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम तो आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम करिया है जलसी के चक्कर में, हमारे हस्बैंड तो जले नहीं बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया। और जो
झाड़ू वाला है ना, उसके साथ साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम मरीज। रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन कहां हम, तू खोल आप। रो रहा हूं। अर्शद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी। उनकी शादी करने की आदत है, उससे बहुत परेशान है। कौन सी से नहीं परेशान रहते? अधिक से नहीं परेशान रहते जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द, इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें, यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मैं एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे देखिए, आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए, चलिए जा रहा है, जा रहा है। चलिए, दीवार इतनी बड़ी है, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? परिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं? आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? अच्छा, मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अर्शद की आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम जब सच बोला। ऐसा ही है। तो इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया। तो इसका मतलब है अर्शद अक्सर झूठ बोलते हैं जी। आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहाँ है? देखिए, मर्दों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए, हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो, डाइट पर नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मारा, रोटी का निवाला उठाता है मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे। ऐसा मर्द का हम क्या करें, हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? उसको दूसरे मोहल्ले वाले देखो, सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? और हम छेड़ रहे हैं, हमको ही छेड़ रहा है, मर कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है उसके पास गए कल, हम उसके, अच्छा हम कहेंगे ना, हम कल के बताएंगे। मिश्रा जी आप यहाँ ना फिल्म एक मिनट, हम पर पान वाला पान मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी वेक्सी तो हम हैं ही, तो आपका दिल कैसे ललचाएगा? वो ये है, और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, ठीक है? हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं जी। अरे रुके रुके, ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। अच्छा मिश्रा जी, नमस्ते। नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए, आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया, हमसे पैसे लोगे? पान के ही पैसे ले रहे, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले। पान के पैसे? अच्छा, हमसे पैसे लोगे? हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या? निकालो 85 रुपया।
जितना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको। बड़ा आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। देखिए ये आप जो दोनों कर रहे हैं इससे आप दोनों एंटरटेन हो रहे हैं, हमारी एंटरटेनमेंट का क्या 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 एंटरटेनमेंट। एक बार मिस्टर अर्शद वारसी और मरिया के लिए जोरदार तालियां, और रिंकू भाभी और संतोष के लिए गंदी गंदी तालियां, बड़ी बड़ी तालियां। हो गया आपका इंटरव्यू, सारा खराब कर दिया आपने हमारा। अभी कहां, अभी तो बाकी है खराब करना। और एक सेल्फी सबके साथ। हाँ वो तो बनती है। जेन्युइन औरत नहीं है। I can't see. रिंकू भाजी, रिंकू भाभी ध्यान से, आप आपका मुंह आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। मजा आ गया देखकर यार, क्या ये लोगों को हंसाते हैं, क्या एंटरटेनमेंट करते हैं, इतनी सारी परफेक्ट भाई इनकी जो लाइनें होती है ना भाई, हंसाने वाली कमाल की है भाई। इतनी सारे ऑडियंस जो भी बैठे हुए सारे हंसते रहते, और मुन्ना भाई वाला भी आया था एक्टर भाई, वो भी आज हंस हंस कर पागल हो गया। उसने उसको बोला जो अंदर आप छुपाए हुए है ना दूसरा, बाहर निकालो भाई। नहीं वो पहले कह रहा है आप पाल में ज्यादा चूना लगा रहे हो, कह रहा है तुम भी चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के। बहुत मजा आया यार आज तो भाई, जबरदस्त तो बहुत एंजॉय किया। ये जो बड़े दो गुजरे है ना भाई, ये तो इनकी भी जोड़ी कमाल की है भाई। ये मोटा सुअर है जो गुजरा आए भाई, चार चांद लगा दिए शो में तो आज तो बहुत हंसे यार। पेट में ही दर्द हो गया, गले में ही भाई पूरा दर्द हो गया, बात भी नहीं कर भाई। डॉक्टर की ये तो बहन है ना, बहुत मजा आ रहा है इसको देखकर। भाई बहुत मजा भाई, तगड़ी है ये खासकर मोटी की जो डांस है ना भाई, वो तो परफेक्ट करती रहती है। ऐसे टमके लगा दिए ना, हम भी सोचे हम भी लगा।